हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर टू ऑफ एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर नंबर फाइव एथमेटिक प्रोग्रेशंस क्लास टेन मैथमेटिक्स राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी एथमेटिक प्रोग्रेशन के फोर टर्म्स लिखने हैं द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एस फर्स्ट टर्म दे रखा है कॉमन डिफरेंस दे रखा है एंड वी नो एपी क्या होती है ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी एंड सो ये होती है ए पी बस नाउ हमें इसके अंदर वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है एंड विल गेट द एपी क्योंकि हमें फर्स्ट फोर्थ टर्म्स लिख रहे हैं ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ तो रख देते हैं वैल्यूज़ ए कितना है टेन सो टेन टेन प्लस डी डी कितना है डी भी टेन है टेन प्लस टेन टेन प्लस टू डी टू इंटू टेन टेन प्लस थ्री इंटू टेन सो एपी के फोर टर्म्स आ गए देर फोर फोर टर्म्स ऑफ एपी आर क्या क्या आ गए फर्स्ट है टेन second hit 20 22 times the 20 plus 10 30 and 40 these are the four terms of the ap next comes a is minus 2d is 0 so again we know the ap ap is a a plus d a plus 2d and a plus 3d तो पुट कर दो वैल्यू ए कितना माइनस टू डी जीरो है ए है माइनस टू माइनस टू प्लस जीरो माइनस टू प्लस टू इंटू जीरो माइनस टू प्लस थ्री इंटू जीरो सो व्हाट विल गेट माइनस टू देरफो फोर टर्म्स क्या हो गया एपी के देर फोर फोर टर्म्स ऑफ एपीआर first minus 2 minus 2 plus 0 again minus 2 2 into 0 0 0 plus minus 2 minus 2 and again minus 2 so these are the four terms of a p next comes question number 3 see a equals to 4 d equals to minus 3 a equals to 4 d equals to minus 3 and fourth is a minus one d half, and there are three questions. Now let's do one by one all. Third one a is four. So again, AP we know a, a plus d, a plus two d, and a plus three d. This is the third one we are doing. Now put the value four. फोर प्लस डी डी एस माइनस थ्री फोर टू इंटू माइनस थ्री फिर देन फोर प्लस थ्री इंटू माइनस थ्री सो वट विल गेट क्या मिलेगा हमें फोर फोर में, में थ्री गए वन टू थ्री या सिक्स माइनस सिक्स फोर में सिक्स गए माइनस टू और थ्री थीज नाइन माइनस नाइन माइनस नाइन प्लस फोर कितना हो गया माइनस फाइव तो ये आ गई हमारी फोर टर्म्स ऑफ एपी और फोर टर्म्स ऑफ एपी नेक्स्ट कम्स फोर्थ वन नाउ विल डू फोर्थ वन आल्सो So let's do fourth one. A is minus 1, D is half. So we know APA, A plus D, A plus 2D, and A plus 3D. These are the four terms of AP. Just put the values A minus 1, minus 1 plus D is 1 by 2, minus 1 plus 2 into 1 by 2, and minus 1 plus 3 into 1 by 2. So, हमें क्या मिल रहा है माइनस वन माइनस वन प्लस हाफ कितना हो गया माइनस हाफ टू से टू कैंसिल माइनस वन प्लस वन, जीरो हो गया और ये थ्री बाय टू तो कितना आएगा प्लस वन बाय टू थ्री बाय टू थ्री बाय टू में से माइनस वन गए वन बाय टू सो अब हमें आ गया ये आंसर्स। तो क्या आंसर आ गए हमारे पास Minus 1, 1 by 2, 0, and 1 by 2 is our answer. Now we will do the fifth one. So these are the four terms of AP, right? For four terms of AP. So this completes question number, fourth part. Now we will do the fifth part. Now see fifth one.

प्लस टू इंटू माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव और फोर्थ टर्म क्या हो गई माइनस वन पॉइंट टू फाइव प्लस थ्री इंटू माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव दिस आर द फोर टर्म तो कैलकुलेशन कर लेते हैं फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म रिमेन एज इट इज माइनस वन पॉइंट टू फाइव ओनली सो फर्स्ट टर्म इज माइनस वन पॉइंट टू फाइव सेकेंड

so are the four terms of it these are the four terms of ap so right are four terms of ap so i hope you understood all the four parts thank you so much for watching the video